वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, चलिए आज हम एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सी में एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स और ऑपरेंड का एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसका कोई मीनिंग निकले। मतलब एक्सप्रेशन इज अ लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड का ऐसा लॉजिकल कॉम्बिनेशन जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिससे कोई रिजल्ट निकलता हो, कंप्लीट एक्सप्रेशन कहलाता है। मतलब कुछ वेरिएबल्स होंगे, उनके बीच में कोई ऑपरेटर लगा होगा और उनका आखिरी में कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई मीनिंग निकलेगा, क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसमें सी, ए और बी, ये तीनों क्या हुए? वेरिएबल्स है, ऑपरेंड्स है। और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर साइन है, इक्वल टू को हम सी में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और जो प्लस है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो दो तो इसमें हो गए ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और एडिशन ऑपरेटर, तीन हो गए इसमें वेरिएबल सी, ए और बी। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूरे को एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ए और बी में जो वैल्यू है वो एड होकर किसमें आ जाएगी? सी में आ जाएगी। तो एक मतलब निकल रहा है इसका, कुछ ऑपरेटर्स है, कुछ ऑपरेंड्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं, उनका एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन बना दिया है जिसको मैं कह रहा हूँ अब एक्सप्रेशन। तो सी का ये एक्सप्रेशन कहलाता है। सी में मेनली चार प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं। पहला है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, दूसरा है रिलेशनल, तीसरा है कंडीशनल और चौथा है लॉजिकल। ये चार प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं। धीरे धीरे हम आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो इन सब टाइप के एक्सप्रेशन को हम उस पर यूज करेंगे, तब आप इनको डीपली समझ पाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।